बायोग्राफी में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना से जुड़ा किया था बड़ा खुलासा। कहा, मेरे साथ बहुत ही। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का 29 दिसंबर को जन्मदिन है। लगातार 15 फिल्में सुपरहिट देने वाले राजेश खन्ना दुनिया के इकलौते अभिनेता हैं। उनका यह रिकॉर्ड अब तक कायम है। राजेश खन्ना ने सिनेमा जगत में कई अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन साझा की। इन अभिनेत्रियों में हेमा मालिनी का भी नाम शामिल है। कुछ वक्त पहले हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम्स लॉन्च की थी। इस बायोग्राफी में अभिनेत्री ने राजेश खन्ना से जुड़ी कई बातें बताई। अंग्रेजी वेबसाइट द क्विंट ने बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम्स से कई राज खोले। इस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में राजेश खन्ना को लेकर कहा कि वो मुझसे थोड़ा अजीब व्यवहार करते थे। जब दोनों साथ काम कर रहे थे तब राजेश सुपरस्टार थे और उनका स्टारडम हमेशा उनके साथ रहता था। वो सेट पर लेट आया करते थे और बहुत ही अनप्रोफेशनल बर्ताव करते थे। मुझे नहीं पता कि क्या मामला था, लेकिन कुछ तो ऐसा था राजेश खन्ना के साथ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दिनों में तो वो मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो उस समय सुपरस्टार थे और कई लड़कियां उनकी दीवानी थीं। मैं एक को स्टार होने के नाते ज्यादा भाव नहीं देती थी। इस बायोग्राफी में हेमा मालिनी ने इसका भी जिक्र किया है कि उनकी और सनी देओल की बातचीत कैसे शुरू हुई। यह किस्सा साल 1992 की फिल्म दिल आशना है से जुड़ा है। बायोग्राफी के मुताबिक हेमा मालिनी ने कहा, मैं मिथुन चक्रवर्ती के साथ पैराग्लाइडिंग शूट करना चाहती थी। दिल आशना है गाने की शूटिंग के दौरान एक एरोप्लेन सीन था। शूटिंग के कुछ दिन पहले पायलट का एक्सीडेंट हो गया। डिंपल इसे लेकर बहुत परेशान थी।